गाइस वेलकम टू सस्ता बार्टेंडर में आपका होस्ट और आप यहाँ पर रश देखिए कितना है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस और आप देखिए हम अभी चोला लेक के ऊपर हैं और हमारी स्कूटी भी बंद हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई। तो गाइज इसको कहते हैं ओल्ड सिटी। तो गाइज अभी हम आ गए हैं सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर और यहाँ पे एंट्री के चार्जेस हैं। एंट्रेंस टिकट इज 300 रुपीज़। ओह वाओ, चलते हैं और लेते हैं टिकट। दो टिकट, थैंक यू। तो गाइज ये है टिकट, 300 रुपये की एंट्री यहाँ पे। तो गाइज अब यहाँ पे रश दिखे कितना रश है। तो गाइज एंट्री हो गई हमारी सिटी पैलेस में। 25 रुपीज़ की टिकट ली है हमने इस 2-व्हीलर की और पता नहीं यहाँ पे क्या है, म्यूजियम वगैरह है शायद। अच्छा लग रहा है बहुत, देखते हैं कैसा होगा। ओ आई थिंक बाकी पार्किंग ही है। नाइस नाइस नाइस। तो गाइज एंट्री कर रहे हैं हम सिटी पैलेस म्यूजियम। जो गाइड यहाँ पे वो कह रहे हैं इंडिया सेकंड लार्जेस्ट म्यूजियम, तो आप गेस करके बताइए कि फर्स्ट लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया कौन सा है। बाकी गेस करके बताओ फर्स्ट लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया कहाँ पे है। तुम्हारे ही जहाँ तुम हो उसी के आसपास है। हाँ दैट्स करेक्ट, मैसूर गाइज इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट म्यूजियम है। नहीं, दिस इज सेकेंड। तो गाइस काफ़ी रश है यहाँ पे, आप देखिए म्यूजियम। और जो मेन एंट्री है इसकी वो है वो सामने, तो वहाँ पर चेकिंग वगैरह हो रही है, टिकट वगैरह दोबारा चेक होंगी। गाइस इतना रश है ना, मन नहीं कर रहा जाने का। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप कक्ष के अंदर, देखते हैं क्या है यहाँ पे। इधर लेफ्ट से सिटी का व्यू है, उधर से लेक का व्यू है ना। तो गाइस हम म्यूजियम के मजे ले रहे हैं पर मुझे और भाग्यू को बहुत बोर लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खिड़की से बाहर निकल के बोल रहा हूँ मैं, वरना लोग मारेंगे। हिस्ट्री है बहुत, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है तो वो रिपीट हो रही है। तो गाइस हम निकल गए हैं बाहर, मतलब पूरा बाहर नहीं आए हमने, बस 40% ही देखा और हम दोनों को पसंद नहीं आया है। कुछ इतना खास है नहीं, जिसको हिस्ट्री वगैरह का शौक है वो ज़रूर आए। हाँ आ जाओ, सॉफ्टी का हो गया, हो यहाँ से खाओगे बाहर से खाओगे? चलो चलो यहाँ से खा लो। नाइस, मुझे चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगी है ना, वनीला कहता कुछ खास टेस्ट है नहीं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया हम आ गए हैं बाहर, मतलब बहुत ही वाहियत था। बाकी कह रही है मतलब एक रश बहुत ज़्यादा आज, और जो जितने भी गाइड से पूछा उन्होंने हमें ये बोला है कि आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने टूरिस्ट आए हैं, वरना ये हमेशा खाली ही पड़ा होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड, हम सॉफ्टी खा रहे हैं, 50 रुपीज़ फॉर सॉफ्टी,
300 rupees फॉर एंट्री टिकट, 25 rupees फॉर पार्किंग टिकट, विच इज अटर वेस्ट अकॉर्डिंग टू अस। खाने तो दो, क्यों बोल दे रहे हो? देखो गाइस, मुझे खाने नहीं दे रही। तो गाइस, गुड बाय टू सिटी लेक पैलेस ऑफ उदयपुर, और हम निकल रहे हैं बाहर की ओर। तो गाइस, ये है सिटी पैलेस का एग्जिट। हम पूरा घूम के वापसी आ गए हैं और अभी हम करने लगे हैं बोटिंग। आप बोटिंग की रश देखिए, और आपको मैं एक दो डिफरेंस बताऊं। ये जो पैलेस है, पैलेस की जो बोटिंग है वो है 830 rupees पर पर्सन, और जो यहाँ की बोटिंग है दिस इज़ गवर्नमेंट बोटिंग, और यहाँ पे जो दिस इज़ गवर्नमेंट। तो यहाँ की जो बोटिंग है दैट इज़ ओनली 180 rupees पर पर्सन, ऐसा कि जो गाइड है उन्होंने बताया है। वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्टली रेट क्या है। तो गाइस, ये प्राइस है 180 rupees पर पर्सन फॉर 30-सीटर मोटर बोट एंड 360 पर पर्सन फॉर 10-सीटर मोटर बोट। और आप रश देखिए, यहाँ पे कितना रश है। हमें ये सर मिल गए, इन्होंने हमारी टिकट ले ली। तो गाइस, हो गई हमारी एंट्री बोटिंग के लिए, और बारिश भी होनी शुरू हो गई है धीरे धीरे। आपको दिखाते हैं 180 rupees के नज़ारे बोटिंग के। स्पीड बोट नहीं है, नॉर्मल है। हमारी बोट आ गई, चलो बहुत ज़्यादा फन आ रहा है। मौसम बहुत बढ़िया, आप देखिए, आप देख ही सकते होंगे मौसम। गाइस, बारिश आ रही है, बारिश। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं जग मंदिर। ये देखिए जग मंदिर के नज़ारे। यहाँ पे ईशा अंबानी की रिसेप्शन हुई थी। तो गाइस, हम निकल गए पिचोला लेक बोटिंग करके, और हमारा मेन रीज़न स्कूटी लेने का यही है। आप ट्रैफिक देखिए यहाँ पे, तो जो हमारा फर्स्ट होटल था उसमें जो रिसेप्शन वाले भैया थे, उन्होंने बोल दिया कि अगर आप स्कूटी नहीं लोगे तो आप गाड़ी से दो दो घंटे फंसोगे। तो देखिए आप भीड़ देखिए, आप रश कितना रश है। गाइस, ये है सामने कैफेज, कैफेज रेस्टोरेंट वगैरह है काफी, और हम जाएंगे इधर। तो गाइस, हाँ, मैं दिल्ली से। थैंक यू भाई, हम आए हैं सस्ता बार टेंडर, और ये इन्होंने चकना दिया पहले हमें खाने के लिए, और आप रश देखिए कितना है। तो मैं खा रहा हूँ गोलगप्पे, और भाग्यू खा रही है भेलपुरी। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर उदयपुर हो तो ये ज़रूर ट्राई करो, आशा वारा 5-स्टार रेटिंग, बहुत बढ़िया इसका टेस्ट है। और 5 गोलगप्पे मिलते हैं एक प्लेट में, 5ों के 5 उनका अलग वैरायटी थी मतलब। तो जो भैया वो भी बहुत बढ़िया हैं, टकीला पता नहीं 30ml 60ml क्या क्या खिलाते हैं हमें, और सब कुछ A1 था सब कुछ। तो कैसे आप ज़रूर आओ, और अभी भाग्यू ने खानी है उसकी। कहाँ भाग्यू? भेलपुरी कुछ है ना, भेल कुछ चीज़ भेल है, चीज़ भेल वो खा रही है भाग्यू। ये हमने खाई है भेलपुरी, बेस्ट भेलपुरी जो मैंने अभी तक लाइफ में नहीं खाई। भाग्यू क्यों तुम्हारी? तो गाइस, हम होटल गए थे सेब पूरी वगैरह खाने के बाद, और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया आधा घंटा, और फिर हम निकल गए दोबारा कुछ खाने के लिए क्योंकि भूख वगैरह बहुत लग रही थी। तो गाइस, हम दोबारा अमरई आए थे एक बार चक्कर मारने के लिए, पर वहाँ पे
इतनी ज़्यादा वेटिंग है, एक घंटे की वेटिंग है, तो हम कहीं और जा रहे हैं अभी। तो हम जा रहे हैं फतेह सागर, फिर से कुछ खाएंगे पियेंगे वहाँ पे। मौसम फिर से ठंडा हो गया, बहुत बढ़िया मौसम है। दिस इज डे टू एट फतेह सागर लेक, और आप रश देखिए फिर से। तो गाइज हम अपने होटल के रूफ टॉप पे आ गए हैं, और ये जो रेस्टोरेंट का नाम है वो है द विस्लिंग टील, और हम यहीं अपना डिनर कर रहे हैं। अब देखिए 10:52 हो गए हैं एंड वी आर वेरी टायर्ड। हमने बहुत घूमा, और हमें कल जाना है नाथद्वार सुबह, तो इसलिए अब सोचते हैं जल्दी सो जाएं। तो गाइज ये है हमारा डे टू का ब्रेकफास्ट, सिमिलर है मतलब जो वहाँ पे ऑप्शंस थे पहले वाले होटल में। तो हम अभी निकलने लगे नाथद्वार के लिए, और अब देखिए फुल्ली पैक्ड होटल। हमें वेट करना पड़ा 10-15 मिनट टेबल के लिए। मैं आपको ब्रेकफास्ट का स्ट्रेंथ दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सेम, इडली पराठा पोहा सांभर। द फूड इज़ वेरी नाइस, इट्स वेरी टेस्टी। Hey guys, day 3 in Udaipur today and we are living for Nathdwar. Ready ho gaye main aur Bhagyu, aur abhi hum breakfast kar gaye hain. Bhagyu breakfast kar rahi hai, main bahar aaya tha drone shoot karne ke liye, to bas nikal rahe hain aur aapko dikhaunga main pure Nathdwar mandir, aur bas chalte hain. Mausam bahut badhiya ho raha hai yahan pe, full cloudy, thandi hawa chal rahi hai bahut zyada. तो मेरे साथ एक बहुत बुरी चीज़ हुई, मतलब अनएक्सपेक्टेड था टोटल। जो मेरा ड्रोन है वो, उसको मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाला हुआ था, और उसका जो अवॉइडेंस होता है वो बंद हो जाता था जब स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं, तो जिसकी वजह से वो एकदम रूफ टॉप पे एक दीवार थी उस पर टकरा गया, और टकराने के बाद सीधा स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया। किसी को भेजना पड़ा फटाफट निकालने के लिए, 2-3 मिनट बाद वो निकला, और जिसकी वजह से वो पूरा डेड हो गया है, ना ऑन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। भाग्य ने बेचारे ने मेरी बहुत मदद करी है, ड्रायर लगा के 15-20 मिनट 25 मिनट हम लगे रहे हैं उसको सुखाते रहे हैं, पर वो ऑन ही नहीं हो रहा। तो कोई नहीं, अब देखते हैं, जो होना था वो हो गया, दिल्ली जाके देखेंगे इसका क्या इलाज करना है। नाथद्वार का रास्ता यहाँ पे था, पर हमें सीधा जाना है क्योंकि पार्किंग जो है वो फुल है, और आज संडे का दिन है तो हम पार्किंग कहीं और कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे है। फिर हमें यहाँ से ऑटो में जाना पड़ेगा। हम ऑटो में बैठ गए हैं, और मंदिर की पार्किंग तो जगह है नहीं, हमने कहीं दूर पार्किंग करी है, और यहाँ पे भैया हैं जो 50 रुपीज़ दे रहे हैं हमसे, और हमें छोड़ेंगे न्यू कॉटेज। थैंक यू। तो गाइस हमें ऑटो वाले ने उतार दिया, और अभी हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी के मंदिर। थोड़ा सा वॉकिंग है, और 11 बजे खुलता है मंदिर, 11:05 हो रहे हैं, एक घंटे के लिए खुलेगा, तो होपफुली बस दर्शन हो जाए, वरना जो नेक्स्ट दर्शन का स्लॉट है वो 4 बजे गए। और हाँ गाइस, अंदर रिकॉर्डिंग नहीं है, कैमरा भी नहीं अलाउड, फ़ोन भी नहीं अलाउड, तो हमें ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जहाँ तक रिकॉर्डिंग हो पा रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस हमें खाने पीने के बहुत ऑप्शंस हैं। तो गाइस यहाँ से एंट्री है प्रीतम पोल गेट नंबर 2 की।
गाइस बाकी वहां से करिए थोड़ी बहुत शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग फ्रॉम श्रीनाथ जी टेम्पल। दर्शन बहुत अच्छे हो गए हमारे, वेरी हमारे वीवीआईपी दर्शन हुआ गाइस, वीवीआईपी। आपको गाड़ी में बैठ के डिटेल बताऊंगा मैं। तो गाइस यहाँ हमने गाड़ी की पार्किंग करी थी और हमारे दर्शन गाइस बहुत बहुत बढ़िया हो गए, मतलब 5 मिनट में हम बाहर थे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत आगे से हुए दर्शन। हमने स्पेशल टिकट ली थी, स्पेशल टिकट हमने ली है, वीवीआईपी टिकट। मतलब हम 5 मिनट तो हम वही खड़े रखने कहाँ, 5 मिनट तो हम एकदम आगे खड़े रहे, मतलब पूरी अच्छी तरह से दर्शन किए और लगा लो 5-10 मिनट में हम पूरे बाहर थे, मतलब सारे दर्शन हो गए, बढ़िया एकदम मजा आ गया। और भाग्यू ने लिया प्रसाद, भाग्यू दिखाओ कौन सा लिया है। मोहन थाल। हाँ मोहन थाल, मोहन थाल लिया, एक और लिया ना, नहीं साथ वो आंटी ने लिया। अच्छा हाँ, एक हमारे साथ कोई एक नोएडा की लेडी और उसकी बच्ची मिल गई थी तो उन्होंने कहा हमारी भी एंट्री करा दो, उन्होंने हम उनकी भी एंट्री करा दी तो उन्होंने लिए साठा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शिव जी के मंदिर एक बार देखने के लिए। सही है, मस्त है भाई, कितना मैसिव है। तो गाइस हम यहाँ से दर्शन करने पर यहाँ पे भी आप देखिए बहुत भीड़ है टिकट काउंटर पे। तो हम वापस अब उदयपुर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं हमारे आज का होटल जो कि सबसे बेस्ट होगा।